अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तमीम और आप देख रही पी जेंस क्लब चैनल। और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आई होप आपके कबूतर सब ठीक से होंगे। चलो फ्रेंड्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था कि आप ब्रीडिंग पे जब भी विंटर सीज़न होता है, ठंड का मौसम होता है, तब की क्या चारा आप डालते हैं और क्या चारा डाल सकते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो चलो फ्रेंड्स, माशाल्लाह पहले देखना हमारे कबूतर किस तरह सेका ले रहे हैं, जो अभी बहुत मौसम बहुत धूप है और मौसम भी देख रहे हैं। और ये देखना है कितना सारा धूप भी है इधर पे। और ये हमारा छतरी है। और ये देखना, ये पिजन्स सेका ले रही हैं। और इधर पे ऊपर एक छतरी है जो कबूतरबाजी के नाम से बोला जाता है, ये छतरी है। और दोस्तों, और देखना अभी बता दूंगा क्या क्या चारा डाल सकते हैं और क्या चारा नहीं डाल सकते। और दोस्तों, मैं सिंपल सा जो मैं चारा डाल रहा हूँ मेरे कबूतर को, वही कबूतर का चारा मैं आपको भी बता दूंगा, क्योंकि वही चारा विंटर सीजन में ईजी बहुत अच्छे रहती हैं, कबूतर सब हेल्थी से भी रहती हैं। और देखना हमारे कबूतर किस तरह हैं। और चलो फ्रेंड्स, ये ले लो। ये जो रागी है, आप 10 किलो चारा ले रही, 10 kg चारा ले रही तो आपको लेना पड़ेगा जो रागी बोलते हैं वो। इधर पे ये देखना, जो रागी आपको 4 kg लेना पड़ेगा। और ये जो बाजरा है उसको 3 kg लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो वीट है, वीट इधर पे गेहूँ बोलते हैं और वीट भी बोलते हैं, ये 2 kg लेना पड़ेगा। बहुत सारा गरम चारा मत डालो फ्रेंड्स, क्योंकि विंटर सीजन है, बहुत गरम चारा भी डालोगे तो आपके कबूतर निकट्विश में जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा मीडियम सा चारा डालना पड़ेगा। और उसके बाद ये तो पता होगा आपको, सब कबूतर खाते ही रहते हैं, ये भी 1 kg ले लो। और उसके बाद चना 1 kg ले लो, मैं ये बोल रहा हूँ 10 kg के लिए। और ये जो सनफ्लावर बोलते हैं वो कबूतर को प्रोटीन कैल्शियम सब देता है, ये 1 kg मैं डाल रहा हूँ, आप भी चाहे तो डाल सकते हो। और वैसे भी आपके कबूतर प्रोटीन कैल्शियम सब जो भी पिजन्स ग्रिट होता है वो खा रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, वरना आप भी चारा में मिला के डालना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, ये वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो आपको रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लस लाइक भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। इस तरह की वीडियो मैं बहुत लाते रहता हूँ और आप सबको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।